पूरे देश में बीजेपी और आरएसएस ने नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश की है, मगर इनका सच्चा लक्ष्य देश में डर फैलाने का है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता डर जाए, हिंदुस्तान का किसान डर जाए, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का वर्कर, पब्लिक सेक्टर में जो काम करता है वो डर जाए, हिंदुस्तान का युवा डर जाए, और फिर इस डर का फायदा उठाकर वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान अपने चुने हुए मित्रों के हवाले कर दे। BHEL को आप सब जानते हो, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मगर जब मैंने इनके एम्प्लॉय से बात की, इनके दिल में सरकार ने भय डाल रखा है, इनको डरा रखा है। कैसे डराया? हम BHEL को, भारत डायनामिक्स को प्राइवेटाइज कर देंगे, और आज हर पब्लिक सेक्टर कंपनी के एम्प्लॉयज के मैनेजमेंट के दिल में इन्होंने डर बैठा रखा है। BHEL हो, HAL हो, भारत डायनामिक्स हो, इनके सब एम्प्लॉयज जो है, मैनेजमेंट है, इनके दिल में डर है। भाइयों और बहनों, ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, और ये BJP के लोग भारत की पूंजी अपने मित्रों को देना चाहते हैं। BHEL की मदद नहीं करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं देंगे, भारत डायनामिक्स की मदद नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, और फिर इनको अपने मित्रों के हवाले करेंगे। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ये 2-3 उद्योगपतियों के यूनिट्स नहीं है, ये हिंदुस्तान के यूनिट्स हैं, ये आपके यूनिट्स हैं। और मैं पब्लिक सेक्टर के हर एम्प्लॉय को कहना चाहता हूं, मैनेजमेंट को कहना चाहता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, लड़ जाएंगे, प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे, करो देखो। इनके 2-3 मित्र हैं, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, हिंदुस्तान के पोर्ट, एयरलाइन, LIC, टेलीकॉम, पाइपलाइन, देखो पूरी जनता जानती है हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जो भारत माता की बात करते हैं ये लोग, आपने ये जो 3 किसान बिल नरेंद्र मोदी जी लाए, ये सीधा किसानों के जेब से चोरी करने के बिल थे। क्या हुआ? किसान खड़े हो गए, बिल रद्द करने पड़े। मेरा कहना है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में किसी को नहीं डरना चाहिए इन लोगों से, ये कुछ नहीं कर सकते। ना पब्लिक सेक्टर को डरना है, ना किसान को डरना है, ना मजदूर को डरना है, ना युवा को डरना है। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान और तेलंगाना की जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? नोटबंदी करके, GST करके, और कोविड के समय जो छोटे बिजनेस वाले हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले हैं, उनकी मदद ना करके। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान को रोजगार कौन देता है? मैं लिस्ट बता देता हूं आपको, सरकार दे सकती है, पब्लिक सेक्टर में मिल सकता है, और जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री होती है, जो छोटी दुकानें होती हैं, छोटे बिजनेस होते हैं, मिडिल साइज बिजनेस होते हैं, वो देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट देते हैं, और कंस्ट्रक्शन में रोजगार बनता है। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? सबसे पहले जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री है, जो व्यापारी हैं, किसान हैं, उनको 2 झटके मारे। देश को कहा, मैं काले धन के खिलाफ लड़ रहा हूं, और नोटबंदी लागू कर दी। नोटबंदी ने हिंदुस्तान के सब छोटे मिडिल साइज बिजनेसेस को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी, वहां पे नरेंद्र मोदी जी, BJP ने पैसा देकर सरकार को गिरा दिया। राजस्थान में कोशिश की, अलग अलग प्रदेश में ये पैसा देकर लोकतंत्र को खत्म करते हैं। ये दोनों एक ही काम करते हैं, और इनकी विचारधारा भी एक है, गरीब जनता से पैसा छीनो और चुने हुए लोगों को पैसा दो, लोगों को डराओ और मीडिया को कंट्रोल करो।